आज मैं बनाऊंगी शलजम मटर शोरबा, जो कि बहुत मज़े का बनता है। जिसके लिए मैं लूंगी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, शलजम, मैंने आधा किलो मटर लिया है, धनिया। अब मैं एक पैन में ऑयल डालूंगी। अब इसमें डालूंगी ज़ीरा, चॉप की हुई प्याज। इसको मैं ब्राउन नहीं करूंगी ज़्यादा, वरना मेरे शोरबे का कलर बहुत डार्क हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा किलो मटन। मटन डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म हो चुका है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, धनिया पाउडर और नमक। नमक डालने का मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। ये देखिए मेरा ऑयल अलग हो चुका है, मेरे मसाले भुल चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, जो मैंने एक लिया था। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी एक चम्मच दही। दही को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। मेरा ऑयल अलग हो चुका है दही डालने के बाद। अब मैं इसमें डाल दूँगी एक कप पानी, ताकि मेरा मटर अच्छी तरह से गल जाए। मैंने इसको ढक के रख दिया 30 से 40 मिनट्स, ताकि मेरा मटन गल जाए। मटन गलने में टाइम लगता है। 90% मेरा मटन गल चुका है। अब मैं इसमें 10% जो है मैं शलजम के साथ गलाऊँगी। अब मैं इसमें डाल दिए थे मैंने 2 कप पानी, क्योंकि आपको जितना भी शोरबा चाहिए आप उतने कप पानी डाल दीजिएगा। मैंने 2 कप पानी डाले, मेरा नमक थोड़ा कम हो चुका था, मैं नमक भी ऐड कर दिया। नमक मिर्च आप इस पॉइंट पर चेक कर लीजिएगा। इसको 10 मिनट बाद मैंने देखा तो मेरे शलजम और मटन बहुत अच्छे से गल चुके थे। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च, जो मैंने ली है 3, और इसमें डाल दूंगी धनिया चॉप की हुई। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। मेरा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये सर्दियों में बहुत मज़े का लगता है। वैसे शलजम सारा साल रहती है, लेकिन सर्दियों में इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। बाय बाय।